हेलो। वॉइस आ रही है? हेलो 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 अंकिता, आर आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर। ओके, वॉइस आ रही बेटा प्रॉपरली? अच्छा यस सर, बिल्कुल आ रही है। अच्छा ठीक है। तो लोग स्टार्ट करते हैं। हमने एक फाइल शेयर किया हुआ, व्हाइट बोर्ड शेयर किया हुआ दिख रहा है आप लोग को? आई हैव शेयर्ड द व्हाइट यस बोर्ड। सर। ओके, सो नाउ वी लेट स्टार्ट द डिस्कशन कि व्हाट वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। क्लियर? सो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, देन वी कम टू आवर पॉइंट। ओके, सो ये दिख रहा होगा आप लोग को, ये मैंने शेयर किया हुआ है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सभी को बेटा? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। ओके, तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था हमने ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। क्लियर? तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था विद द डेरिवेशन। इसमें हम लोगों ने, आप जो ये बॉटम का डायग्राम देख रहे हैं, इसी तरह का कुछ हमने डायग्राम बनाया था। ठीक है, देन वी हैव टेकन द, अभी तो ये हमारी फाइनाइट लेंथ है, तब हमने इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया था, बहुत लंबा वायर था ये वाला। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का था, उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? तो हमने उसमें भी एक स्मॉल स्ट्रिप लिया था दोनों साइड फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, यहाँ से इधर और इधर से इधर। फिर हमने क्या किया था, इसको एक पर्टिकुलर पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था, तो हमने पी पॉइंट पे इस पॉइंट से मीट कराया था। ठीक है, उसको फिर वो थीटा एंगल बना रहा था। सिमिलरली हमने इधर भी एक पॉइंट लिया था सेम डिस्टेंस पे, जैसे इधर एक्स डिस्टेंस है वैसे इधर भी एक्स पे लिया था, तो ये हमने मीट कराया था। जो लास्ट डेरिवेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे हमको ये वाला रिजल्ट मिला था, ये वाला जो रिजल्ट है, ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, देन वी हैव कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दैट स्मॉल स्ट्रिप ऑफ डिस्टेंस और विड्थ डी एक्स। क्लियर? देन वी हैव कैलकुलेटेड इट और पी पॉइंट पे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं वो कैंसिल आउट हो जा रहे थे, केवल वर्टिकल कंपोनेंट हमारा एग्जिस्ट कर रहा था। क्लियर? मीन्स हॉरिजॉन्टल वाले, ये वाले जो कंपोनेंट है ये दोनों साइड से कैंसिल हो जा रहे थे। ठीक है, केवल वर्टिकल कंपोनेंट हमारा एग्जिस्ट कर रहा था, ये हमने आपको बताया था, क्योंकि ये माइनस डी एक्स है, इधर आपका प्लस डी एक्स आएगा, तो दोनों कैंसिल हो जा रहे थे। लेकिन वर्टिकल वाले में दोनों ऐड हो रहे थे, इधर की वजह से जो ये कंपोनेंट दे रहा था वो इधर डायरेक्शन में, मतलब कहने का मतलब जो इधर वाला कंपोनेंट था दैट इज ड्यू टू डी अगेन, इसकी वजह से जो हमें डायरेक्शन मिल रही थी वो ऊपर की तरफ मिल रही थी, इसकी वजह से भी जो मिल रहा था वो ऊपर की तरफ मिल रहा, तो ये आपस में एड ऑन हो रहे थे। ठीक है ना, जिसकी वजह से हमको जो रिजल्ट फाइनली मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, एड होके मिल रहा था वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिया था।
इसमें हम लोगों ने जो इंटेंसिटी फाइनली निकाला था ई की वैल्यू, आफ्टर दैट लास्ट में हम लोगों ने क्या किया था, इसको इंटीग्रेट किया था जीरो टू इनफाइनाइट, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर इज इनफाइनाइट, तो जीरो टू इनफाइनाइट हमने इंटीग्रेट किया था। देन वी हैव गॉट द रिजल्ट रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू यूनिट वेक्टर ए आर कैप। क्लियर? सो दिस वाज द प्रीवियस लेक्चर समरी। नाउ वो हमने जो कैलकुलेशन किया था दैट इज फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्लियर? सिमिलरली यू कैन डू फॉर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। क्लियर एज वेल फॉर बोथ, फॉर व्हाट, for infinite length of wire. Clear? Then you will get again the intensity like this, that is rho l upon 2 pi epsilon naught, r will be replaced by rho and everything is same almost. Clear? So you can see other things are same, similar, but only r is replaced by this. Clear? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़े? हेलो, ठीक है, ये आपका सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए हो गया। ये डेरिवेशन आपको हमें कराने की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर ये वाला ही पूछा जाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ही। वो कभी कोऑर्डिनेट वाइज पूछेगा भी नहीं आपसे, वो डायरेक्टली बोलेगा फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। क्लियर? तो आपको सीधे क्या करना है, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो मैंने डेरिवेशन आपको बताया था लास्ट टर्म पे, उसको फॉलो करते हुए, इस तरह का हमने कुछ डायग्राम बनाया था उसको फॉलो करते हुए आप ये डेरिवेशन पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज व्हाट द एग्जामिनर आस्क्ड। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। अभी हमने इनफाइनाइट के लिए निकाला था, अब हम यही डेरिवेशन फाइनाइट लेंथ ऑफ चार्ज के लिए, लाइन के लिए करेंगे। अब हमने क्या किया, ये जो हमारी लेंथ ऑफ वायर है इसको हमने फाइनाइट लेंथ का ले लिया। ठीक है, ये जो आप नीचे देख रहे हैं इसमें ये जो प्लस 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 दिख रहा है ये चार्ज है, मतलब लाइन के ऊपर जो हमारा लाइन है वो कंडक्टिंग लाइन है, मीन्स उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो भी आप लेना चाहें। ठीक है, हमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, एक सेंटर पॉइंट हमने लिया है, इस सेंटर पॉइंट से एक सर्टेन डिस्टेंस पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू दिस फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। क्लियर? इसमें जो लेंथ है, टोटल लेंथ इसकी है वो एल है, और इसको हमने हाफ हाफ डिवाइड कर लिया है इस सेंटर पॉइंट से, लेफ्ट में एल बाई टू और राइट में एल बाई टू। मीन्स कहने का ये है कि इधर भी आपका पूरा एल बाई टू है, कहाँ तक, बी पॉइंट तक, यहाँ तक, ये ध्यान रखिएगा। हमने क्या किया, अब हमें एक बार में तो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो हमने एक काम किया, हमने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया इसमें, ये देखिए एक स्मॉल स्ट्रिप हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, जिसकी थिकनेस हमारी डी एक्स है, क्लियर, जो कि जीरो मतलब सेंटर पॉइंट से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे एग्जिस्ट है। तो हमने क्या किया, इस डीएक्स की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला, और ये जो डीएक्स लेंथ हमने लिया है, ठीक है, ये हमारा कैपिटल आर डिस्टेंस पे है, कहाँ से, इस पी पॉइंट से। ठीक है ना, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी वायर से, चार्ज वायर से कुछ डिस्टेंस पे निकाला जाता है, ठीक है ना, सर्टेन डिस्टेंस पे। तो वो डिस्टेंस हमने P लिया हुआ है जो कि R डिस्टेंस पे है, कितनी डिस्टेंस पे है, दिस डिस्टेंस इज योर R, दिस इज योर R डिस्टेंस। तो सेंटर पॉइंट से R डिस्टेंस पे हमारा P पॉइंट है जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगेन ड्यू टू दिस डायरेक्शनल वेक्टर, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी अलाइनमेंट आपके D इस डायरेक्शन में, इसके दो कंपोनेंट हमारे ब्रेक हुए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज विल बी इन एक्स डायरेक्शन व्हाइल द वर्टिकल कंपोनेंट विल बी इन वाई डायरेक्शन। क्लियर? सो ये डीई का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ये है, वर्टिकल ये है। आप देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस वाले की वजह से वो हमें इधर मिलेगा, दैट इज माइनस डी एक्स, और वर्टिकल कंपोनेंट हमें अपर डायरेक्शन में मिलेगा, दैट इज डी वाई। क्लियर? सो व्हाट विल बी दैट वैल्यू ऑफ डी एक्स, can anyone explain what will be the value of dx over here, koi batayega dx ki value kya hogi, dx will be d cos theta na, dx kya hoga, sorry d dx ki value kya hogi, d sin theta, are you getting my point, if you see इस डी का अगर हम वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाले, इस डी का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाले, तो हमको क्या मिलेगा, डी का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट विल बी डी कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ये एंगल थीटा था, यही सेम एंगल यहाँ पे भी थीटा बनेगा, ठीक है, ड्यू टू अपोजिट एंगल। ठीक है,
उसके बाद जो ये डी हमारा है, इसका कंपोनेंट इधर डी कॉस थीटा आ जाएगा वाई डायरेक्शन में, वाइल एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा माइनस डी साइन थीटा, क्योंकि ये कॉस 90 माइनस थीटा होगा और कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, दैट्स व्हाई इट इज डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी साइन थीटा इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज। तो आप यहाँ पे कुछ जो है थ्योरी का पार्ट भी मेंशन है, ये आप लोग इसको इसको मैं पढ़ भी देता हूँ इस बार आपके कुछ के लिए, ठीक है, कंसर्न के लिए। तो अगर आप इसको पढ़ते हैं यू सी दिस, तो एक बार मैं थोड़ा सा इसको डिक्टेट कर देता हूँ। ओके, सो फिगर शोस अ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ लेंथ एल एंड कैरीज ए टोटल चार्ज क्यू। कहने का मतलब है ये जो हमारा है एक यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन है एल लेंथ की, टोटल एल लेंथ है, सेंटर से हमने हाफ ऑफ लेंथ में डिवाइड किया, मीन एल बाई टू एंड एल बाई टू, एल बाई टू लेफ्ट एल बाई टू राइट। फिर इस पे टोटल पे हमारा एक पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसकी हमारी वैल्यू प्लस 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 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एक हमने चार्ज डेंसिटी लिया है लाइन चार्ज डेंसिटी, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। लाइन चार्ज डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, रोयल। ठीक है, इस रोयल को अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है क्यू की वैल्यू होती है रोयल इंटू डी एल, रोयल इंटू डी एल, इसको बोलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो लाइन चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है दैट इज रोयल इंटू डी एल, तो रोयल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्यू बाई डी एल, तो यही आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज क्यू बाई डी एल। ठीक है, या क्यू बाई एल भी लिख सकते हैं क्योंकि अभी हमने कंप्लीट लेंथ ले रखा है, तो क्यू बाई एल आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल लेंथ के लिए हम तो देख नहीं रहे, हम कंप्लीट लेंथ के लिए देख रहे हैं, दिस विल गिव यू क्यू बाई एल। ठीक है, फॉर कंप्लीट लेंथ। नाउ दिस विल बी द रोयल, दैट विल बी द डेंसिटी ऑफ द चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्लियर, ऑफ द वायर। हियर वी शैल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी ऑन ए पर्टिकुलर डिस्टेंस ए बाइसेक्टर ए वायर, क्लियर। Now we come to the next page of this. So let us take a distance of P from the center OBR. ये आपको distance समझ में आ ही रही है, P point की, यहाँ center से जो distance है वो small आ रहा है, ठीक है? So consider two symmetrical element DX of the wire at a distance X from the center. Due to symmetry, the horizontal components of electric intensity will be cancelled out, while the vertical components remains. कहने का मतलब क्या है? आप इधर भी एक डी एक्स ले लीजिएगा एक स्मॉल लेंथ पे यहाँ पे, ठीक है, ये भी मान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, जैसे हमने इनफाइनाइट लेंथ वाले वायर में भी दोनों साइड लिया था, ऐसे आप यहाँ भी दोनों साइड ले लीजिए। ठीक है ना, ये डी एक्स लेंथ है, इसकी भी जो डिस्टेंस है यहाँ से वो क्या है, दैट इज अगेन कैपिटल आर। ड्यू टू सिमेट्री, अब इसका भी कंपोनेंट आप निकालेंगे तो वाई कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, while the x component will be in this direction, okay? तो आप देख सकते हैं ये जो dex है ये basically क्या होगा, de sin theta in this direction, और इसका जो component आएगा वो क्या आएगा, ये dex क्या आएगा, minus d sin theta ये आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये जो minus d sin theta और plus d sin theta दोनों cancel हो जाएंगे if you find the कंप्लीट कंपोनेंट। कंप्लीट का मतलब लाइक दिस, अगर आप दोनों कंपोनेंट को निकालेंगे यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन अगर आप देखें, डी वाई क्या होगा, डी वाई विल बी व्हाट, ड्यू टू दिस कंपोनेंट एंड ड्यू टू दिस कंपोनेंट, तो दोनों ही ऊपर के डायरेक्शन में जाएंगे, तो डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा आ जाएगा, दिस विल गिव यू व्हाट, d cos theta plus d cos theta, ये आपको मिल जाएगा twice of d cos theta। ठीक है, लेकिन अगर आप y x component की बात करेंगे तो dex हो जाएगा minus d sin theta, क्योंकि वो जीरो से लेफ्ट डायरेक्शन में है, और प्लस d sin theta, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको रिजल्ट जीरो मिलेगा, इसीलिए मैं कह रहा था x component कैंसिल हो जाएंगे, y कंपोनेंट होल्ड करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है सभी को। तो अब आप देखिए d की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मींस कहने का ये है
इस छोटे से इस पार्ट के रिस्पेक्ट में हमारा जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा एट डिस्टेंस आर टू द पॉइंट पी विल व्हाट डी क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर. तो क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज योर आर, डिस्टेंस पी की यहाँ से आर है तो क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, और एक ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज योर क्यू, क्यू बाई आर स्क्वायर. क्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे, रोयल इंटू डी एक्स. दिस क्यू विल बी वॉट, रोयल इंटू डी एक्स. ये देख सकते हैं, ये हमने बताया भी था आपको कि रोयल क्या होता है, क्यू बाई डी एल होता है. ठीक है, तो एक मिनट, हाँ ठीक है, क्यू जो होता है वो रॉयल इनटू डीएक्स होता है चार्ज. ठीक है, यहाँ पे डीएक्स हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम स्मॉल लेंथ की जो विड्थ है वो हमारी डीएक्स है. ठीक है ना, यहाँ से रॉयल क्या आ जाएगा, क्यू बाई डीएक्स आ जाएगा, या क्यू की वैल्यू रॉयल डीएक्स है. ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो क्यू हमारा ऊपर आ रहा था उसको हमने रॉयल इनटू डीएक्स लिख दिया यहाँ पे. ठीक है, क्लियर है. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रोयल डी एक्स बाई, अब आर की वैल्यू कैसे रखेंगे, ये जो आर है, अगेन यू सी द डायग्राम. सो दिस इज योर व्हाट, राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर. दिस इज योर स्मॉल आर, दिस इज योर कैपिटल आर, एंड दिस इज योर L/2, सॉरी दिस इज योर एक्स. क्लियर, L/2 तो आपका बी पॉइंट तक है, दिस इज योर एक्स. क्लियर, सो आप कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, सो यही चीज हमने यहाँ पे किया है, आर की जो वैल्यू रखी है स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया. तो आपको ये मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब आपको देखिए डी ई वाई अगर निकालना है, तो कंपोनेंट तो निकालने ही पड़ेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन वाले, क्योंकि हम लोगों ने अभी दिखा देख लिया कि जो डी ई वाई कंपोनेंट है वो 2d cos थीटा है और डी ई एक्स कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जा रहा था. तो जो आपका रिजल्टेंट बनेगा, केवल जो आपका रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, व्हाट विल बी योर रिजल्टेंट इफ यू सी द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज डी विल बी व्हाट, डी ई एक्स प्लस डी ई वाई. तो डी ई एक्स अगर देखेंगे तो ये तो जीरो है, प्लस डी ई वाई आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब कहने का ये है जो डी ई है वो डी ई वाई के बराबर है. ठीक है, तो इसीलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है डी ई वाई इज इक्वल टू डी. अब डी कॉस थीटा मैं क्यों लिख रहा हूँ, वाई वी आर टेकिंग है डी कॉस थीटा, बल्कि दिस विल नॉट बी द हेलो सर. ओके अब यहाँ पे देखिए जो डी ई वाई है ये हमने डी कॉस थीटा क्यों लिया है, नॉट 2d cos थीटा हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम लोग केवल एक साइड को कंसीडर करके चल रहे थे. अभी हमने समझाने के लिए आपको दोनों साइड ले लिया है, बट वी हैव जस्ट टेकन नाउ वन साइड. तो वन साइड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो आपको एक ही कंपोनेंट मिलेगा ना डी का, दैट इज डी ई वाई कॉस, सॉरी डी ई वाई केवल मिलेगा, दैट इज डी कॉस थीटा. अगर इधर वाले से भी लोगे तो आपको 2d cos थीटा मिलेगा, लेकिन हम चूंकि डायग्राम हमारा एक ही साइड का था, ये तो हमने आपको बताने के लिए समझाने के लिए बताया था, तो आपको केवल एक ही कंपोनेंट है फिलहाल यहाँ d cos थीटा, दैट इज डी ई वाई. तो डी ई वाई इज इक्वल टू डी कॉस थीटा, तो डी हमारा ये है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया, कहाँ पे, यहाँ पे. ठीक है, तो डी की वैल्यू यहाँ रख दिया, तो डी ई वाई हमको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रोयल डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, क्लियर है. सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर ऑफ लेंथ एल कैन बी ऑब्टेन बाई इंटीग्रेटिंग अबव एक्सप्रेशन वन विद इन द लिमिट्स एक्स इज इक्वल टू -L/2 से +L/2. ठीक है, अब अगर आप दोनों साइड ले लेंगे तो आपको ये इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने बताया ना कि दोनों साइड अगर आप ले लेते हैं तो यू डोंट नीड टू इंटीग्रेट. क्लियर, लेकिन चूंकि अगर आप एक साइड ले, मतलब एक ही साइड लेंगे, तो आपको लेफ्ट की लिमिट से लेकर राइट लिमिट तक लगाना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप मान लीजिए 2d cos थीटा रख के ही सॉल्व करते फॉर एग्जाम्पल, तो भी आपका आंसर आ जाता, क्योंकि
फिर आपको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है ना। जैसे ये आपका डी आ गया, अगर आप डी वाई आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टू डी कॉस थीटा केवल आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप चाहें तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने दोनों कंपोनेंट को कंसीडर किया, लेफ्ट एज वेल एज राइट दोनों को, ठीक है ना। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो आपको केवल जो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वो जीरो टू एल बाई टू करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब चूंकि हमने एक ही साइड लिया हुआ है तो हमें लेफ्ट के से लेकर राइट तक दोनों साइड जाना पड़ेगा। लेफ्ट का मतलब ये है यहाँ माइनस एल बाई टू से लेके ये आपका माइनस एल बाई टू एंड है, ये आपका प्लस एल बाई टू एंड, ठीक है। तो इंटीग्रेट आप पूरे वायर का निकालना है तो माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू तक आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? ठीक है, और टोटल लेंथ एल है तो आप दोनों को ऐड करेंगे अगर, तो एल बाई टू प्लस एल बाई टू विल गिव यू टोटल लेंथ एल। टोटल लेंथ हमारी एल ही थी। तो इस तरीके से जब आपने सॉल्व किया आपको कुछ ये मिल गया, यहाँ कॉस थीटा भी आ गया मल्टीप्लिकेशन में। अब इसका आपको इंटीग्रेशन कर देना है फॉर होल लेंथ, तो माइनस एल बाई टू से एल बाई टू हमने इंटीग्रेट कर दिया। दिस विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ द फाइनाइट लेंथ वायर। ये देखिए इसको फिर सॉल्व किया गया है, जस्ट सॉल्व दिस। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मैथमेटिक्स में, बता भी देता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन का एक रूल होता है, क्या रूल होता है? इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है? माइनस ए टू ए, ठीक है। मान लीजिए फंक्शन एफ एक्स है, माइनस ट्वाइस ऑफ हो जाता है, ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए, ये आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। यही चीज हमने किया, माइनस एल बाई टू से एल बाई टू को हमने जीरो टू एल बाई टू लिख दिया और टू बाहर ले लिया, ठीक है, क्लियर है, बताइए। और कॉस थीटा की वैल्यू भी हमने रख दिया है, कॉस थीटा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं आप। कॉस थीटा अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये बेस आपका क्या है? बेस आपका ये हो जाएगा, दैट इज स्मॉल आर, और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए, ये आपका क्या हो जाएगा? स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? स्मॉल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो आएगा, स्मॉल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये आर की वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो कहने का मतलब है तो कॉस थीटा आपका यहाँ से आएगा, दैट इज स्मॉल आर अपॉन आर आएगा, और आर की वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आप ये रख देंगे, ये देखिए कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से रख दिया स्मॉल आर अपॉन, ये देखिए स्मॉल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्मॉल आर हमने बाहर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब टू से फोर कैंसिल हो जाएगा, टू टू जा फोर होता है सभी को पता है, ये रॉयल आर अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, रॉयल आर अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट। ये लिमिट हमने बताई दी आपको जीरो। अब इसको केवल सॉल्व किया गया है, ये आपका मिलके हो जाएगा थ्री बाई टू, ठीक है, क्योंकि वन बाई टू प्लस वन ऐड होगा, पावर ऐड हो जाएंगी, थ्री बाई टू आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट लाइक दिस, ठीक है, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, ठीक है, क्लियर है। दिस इज ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ऐसे ही आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में निकालेंगे तो ई की वैल्यू ये आ जाएगी। इसका डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूँ सिलेंड्रिकल का, इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आपकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कुछ और फार्मूले हैं वो भी हम बता देते हैं आप लोग, इसको तो नोट कर लीजिएगा क्योंकि डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है और न सिलेबस में आपके इतना ज़्यादा डिटेल वाइज मेंशन है कि सारे डेरिवेशन कराने ही हैं, ठीक है। अब सिलेबस में कोई एज सच वैसे डेरिवेशन मेंशन नहीं है इसलिए, लेकिन मैंने दो करा दिए हैं क्योंकि ये दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, ये दोनों मैंने करा दिए आपको, ठीक है।
बाकी मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता दे रहा हूँ, जो अगर उस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल आएगा तो आपको इसको कर लीजिएगा, ठीक है। पहला है, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंटेंसिटी ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज। अभी हम लाइन ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे, अब शीट ऑफ चार्ज, शीट का मतलब सरफेस होगा, सपोज दे सरफेस चार्ज। अभी तक हम लोग लाइन चार्ज की बात कर रहे थे, जो डेरिवेशन किए हैं उसमें हम लाइन चार्ज के रेस्पेक्ट में निकाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक सिंगल वायर के ऊपर। मान लीजिए सरफेस ऑफ चार्ज है आपके पास, सरफेस ऑफ चार्ज मतलब मान लीजिए कोई सरफेस है उसके रेस्पेक्ट में अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो क्या आएगा, ठीक है। तो आप डायग्राम चाहो तो बना सकते हो, डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ठीक है ना, तरीके से हमने यहाँ एक सरफेस ले लिया, ये पूरा सरफेस है, इसमें एक स्मॉल स्ट्रिप ले लिया, क्योंकि स्ट्रिप इसमें भी लेना पड़ेगा, एक साथ आप पूरे सरफेस का नहीं निकाल सकते, दैट्स व्हाई यू नीड टू टेक द स्ट्रिप, क्लियर। ठीक है, जैसे डी वाई हमने सर स्ट्रिप ले लिया, ठीक है, ये आपका वाई है, दिस इज योर वाई, ठीक, एंड दिस इज डी क्यू, इट इज डी क्यू इज इक्वल टू रो एस इंटू डी वाई। ये हमने आपको बताया था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमने बताया था ऑन अ सरफेस, दैट इज रो एस इंटू डी वाई, रो एस क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, क्लियर है। ये आपका स्मॉल स्ट्रिप हो गया, इसकी जो थिकनेस है वो डी वाई है, ठीक है, दिस इज योर पॉइंट एम, ये पॉइंट एम है, ठीक, इसको हम लोग शीट ऑफ चार्ज बोलते हैं, दिस इज योर, ये पूरा जो कंप्लीट है दैट इज कॉल्ड शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। सो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि हमने एक पॉइंट पी लिया है यहाँ पे, इस पॉइंट पे, तो थोड़ा इसको और एलोंगेट कर लेते हैं हम लोग समझने के लिए, हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस सर। हाँ, तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो हमने पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहाँ पी ले लिया हमने, दिस इज योर सपोज पॉइंट पी, क्लियर, इसको हमने यहाँ एम पॉइंट से मीट कराया, ठीक है, एक मिनट, इस तरीके से, ठीक, ये जो एंगल है ये हमारा थीटा एंगल है, दिस इज द थीटा एंगल, और इस पॉइंट को हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं आगे की तरफ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज रिजल्टेंट कंपोनेंट, ठीक, ये आपका एक्स डायरेक्शन हो गया, ये डी हो गया, तो इधर भी जो एंगल बनेगा हमारा इन दिस डायरेक्शन दैट विल ऑल्सो बी द थीटा, क्लियर। सो इस पी पॉइंट पे, जो कि ये पी पॉइंट ये है आपका, ठीक है, इस पी पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस सरफेस, क्लियर। तो ये आपका डायग्राम है कुछ, तो इसमें जो एम पी आएगी वैल्यू, एम पी, एम पी कहाँ से है, ये एम पॉइंट है, दिस इज योर एम पॉइंट, एक मिनट, दिस इज योर एम पॉइंट एंड दिस इज योर पी पॉइंट, एम पी जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसे निकाला है, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, ठीक है, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, क्लियर है, बताइए। तो अगर इसके लिए हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा आपका, दैट विल बी व्हाट, इज इक्वल टू, मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ, रो एस अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए एन कैप,
वेयर ए एन क्या है, ए एन इज द यूनिट वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल टू द सीट, वेयर ए एन इज यूनिट वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल टू शीट, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब एक और आपका फॉर्मूला है लास्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज, वो भी फॉर्मूला हम बता देते हैं। ये आपको याद रखने हैं, फॉर्मूले याद रखने हैं, ये जैसे ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज की वजह से रो एस अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होता है, कोई फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, अगर आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए वॉल्यूम चार्ज, जैसे अभी हमने लाइन चार्ज पढ़ा, सरफेस चार्ज पढ़ा, अब वॉल्यूम चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज, तो वॉल्यूम चार्ज के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा ई, दैट इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू ए आर कैप, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई होते हैं, ये सभी को पता है, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज निकालने के लिए, ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोगों ने इसको निकाल लिया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू ए आर कैप, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, और इसमें अभी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जस्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस नाउ, ये सभी को दिख रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी दिख रहा है बेटा सभी को, हेलो yes, सभी, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ये अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो इसको पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, डायग्राम भी बना रखा है हमने, देख लीजिए आप लोग, ठीक है, इसमें दो सरफेस हमने लिया है, एक आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो है बाहर वाला ये आउटर सरफेस है, और ये जो अंदर वाला है ये इनर सरफेस है, क्लियर, ठीक है, तो जो चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इनर सरफेस से है, आउटर सरफेस को तो हमने ग्राउंड किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग, आउटर सरफेस तो हमारा जीरो पोटेंशियल पे है, जो अंदर वाला सरफेस है जिसको हम एनक्लोज सरफेस बोलेंगे, उस पर चार्ज एनक्लोज है, पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ, ठीक है, तो ये जो चार्ज है ये धीरे धीरे हमारा इनर बॉडी से आउटर बॉडी की तरफ शिफ्ट होता है, तो शिफ्ट होता है जैसे यहां से चार्ज धीरे धीरे, देखिए जो एरो बना है इसका मतलब दिस टेल्स यू द शिफ्टिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम द इनर बॉडी सरफेस टू द आउटर बॉडी सरफेस, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक, एग्जैक्टली अगर हम बोल रहे हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ट्रांसफर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ट्रांसफर या चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, क्योंकि साई साई होता है फ्लक्स और क्यू होता है चार्ज, ठीक है, तो साई और क्यू दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि जो फ्लक्स जितना ट्रांसफर होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर, ठीक है, चार्ज की वजह से ही फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, फ्लक्स की वजह से चार्ज आता है, ठीक है, तो कंसीडर ए स्फीयर, ठीक है, विद चार्ज क्यू प्लेस इनसाइड ए लार्ज हॉलो स्फीयर विदाउट टचिंग इट, ठीक है, तो हॉलो स्फीयर है दोनों, ठीक है, जिसमें एक छोटा स्फीयर है एक बड़ा स्फीयर है, तो जो छोटा वाला स्फीयर है ये बड़े वाले स्फीयर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है बिना उसको टच किए, ठीक है, द आउटर स्फीयर इज मोमेंटरली अर्थ एंड रिमूव फ्रॉम द इनर स्फीयर, जो आउटर स्फीयर को है उसको हमने अर्थ किया हुआ है, व्हाइल द इनर स्फीयर इज नॉट अर्थ, क्लियर, इनर स्फीयर पे आपका चार्ज है, अब इट इज ऑब्जर्व दैट एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एग्जिस्ट ऑन द आउटर स्फीयर, ठीक है, तो इनर स्फीयर की वजह से ही एक इक्वल चार्ज
आउटपुट स्फेयर वे, आउटपुट वाले स्फेयर बॉडी पे भी प्रोड्यूस होगा अपोजिट, जो कि अपोजिट इन नेचर होगा. जैसे अंदर अगर हमारा प्लस क्यू चार्ज है तो आउटर बॉडी पे भी उसकी वजह से माइनस क्यू चार्ज डेवलप होगा. या आप ऐसे समझना चाहें तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब चार्ज, जैसे हम आपको ऐसे समझाते हैं, इन जनरल में आपने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज होता है, ठीक है. बेसिकली इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज पार्टिकल. सो जब इलेक्ट्रॉन अपनी यहाँ से पोजीशन छोड़ के, अगर मान लीजिए इस पोजीशन में आ गया, तो यहाँ पे इसने तो डोनेट किया वाइल इट इज रिसीविंग, तो इसने इसको रिसीव किया, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये सभी को पता है. हेलो, ये बात तो सभी लोग जानते हैं ना. यस सर, तो ये वही कॉन्सेप्ट है. तो चार्ज जब इनर बॉडी, ये आपका अंदर का पोर्शन है और ये आउटर बॉडी है, ठीक है, तो आउटर लेयर है, तो आउटर वाले को हमने ग्राउंड किया हुआ है. लेकिन जब चार्ज मूव करेगा फ्रॉम इनर बॉडी टू आउटर बॉडी, तो अपनी पोजीशन, यहाँ से चार्ज अगर यहाँ छोड़ रहा है तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि तो यहाँ से चार्ज मूव किया है और जहाँ पहुंचेगा वहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है. दिस इज द मेजर कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली, ठीक है. तो यही हो रहा है यहाँ पे, जब चार्ज आपका इनर बॉडी लेयर से आउटर बॉडी लेयर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया, माइनस आ गया, क्लियर. सो ये लिखा हुआ, इट इज ऑब्जर्व दैट एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एग्जिस्ट ऑन द आउटर सरफेस. इट इज देयर फोर कंक्लूडेड दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज. इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, क्लियर, फ्रॉम इनर सरफेस टू द आउटर सरफेस. सो थ्रू द मीडियम बिटवीन देम, जो इनके बीच में मीडियम है, ये वाला एक मीडियम है जो हमने थोड़ा डॉट 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 दिखाया है, इस मीडियम से ही चार्ज हमारा रूट हो रहा है अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है. सो द डिस्प्लेसमेंट इज रिगार्डेड एज डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स. जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है चार्ज का, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स, या इन जनरल इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोलते हैं. डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हैं. इट इज डिनोटेड बाई साई एंड इट इज इक्वल इन मैग्निट्यूड टू द चार्ज दैट प्रोड्यूसेस इट, ठीक है. तो साई ही हमारा जो होता है वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्प्लेसमेंट है, या आप इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सिंपली बोल सकते हैं. ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द रेस्पेक्टिव चार्ज के. तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आपको पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हमारा क्यू है, तो साई आपका क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. इसको हमने इक्वेशन नंबर वन कर दिया, ठीक है. नाउ लेट अस कंसीडर, एक मिनट रुक जाइएगा. नाउ लेट अस कंसीडर द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी, क्लियर. अब हम लोगों ने क्या किया है, हमने कंसीडर किया है एक इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया है. ये ध्यान रखिएगा, इस टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होता है, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो चार्ज की डायरेक्शन होती है, ठीक है, या यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर होता है उसकी डायरेक्शन. तो कहने का मतलब है कि एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है, जो कि उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चार्ज आपका डिस्प्लेस हो रहा है फ्रॉम इनर बॉडी टू आउटर बॉडी, ठीक है. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज क्यू इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय. कहने का मतलब, अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालें एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर, तो वो क्या आएगा, कोई बताएगा. ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालें एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा. सो इफ यू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट ए पॉइंट दिस ड्यू टू व्हिच इज प्लेस एट ए स्मॉल आर डिस्टेंस, क्लियर. सो आप यहाँ पे भी देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी की डायरेक्शन वही है जो हमारा चार्ज के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है. तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू Q/r² इंटू यूनिट वेक्टर ar का. स्मॉल आर हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये आर ही स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ऑन जो जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकाल रहे हैं वो पॉइंट, दैट पॉइंट इज पी, क्लियर. सो अगर इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका यूनिट वेक्टर हट जाएगा यहाँ से, तो आपका सिंपली ये वाला टर्म रह जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², ठीक है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यू कैन सी
इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो हमने दोनों ही साइड एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया हुआ है. इफ यू सी, हमने यहाँ भी किया है एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई, मतलब इधर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ एप्सिलॉन नॉट से और इधर भी एप्सिलॉन नॉट. यू कैन सी द रिजल्ट. रिजल्ट आपको क्या मिला कि एप्सिलॉन नॉट जब राइट साइड में है, उस एप्सिलॉन नॉट से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया. ठीक है, तो आपको रिजल्ट क्या मिला, समथिंग लाइक दिस मिल गया. ठीक, ये आपको मिल गया क्यू बाई फोर बाई आर स्क्वायर इंटू ए आर कैप. अब देखिए क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, भी हमने बताया भी था. यहाँ पे देखिए क्यू आपका साई के बराबर है, दिख रहा है सभी को ये, क्यू आपका साई के बराबर था ना, जिसको फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्यू को साई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्यू में भी रिप्लेस बाई साई. So we can say epsilon naught E is equal to psi by 4 pi r square. Psi exactly is what? Enclosed charge. Clear? And 4 pi r square is the area of the sphere. Sphere ka area kya hota hai? 4 pi r square. ठीक है, इसलिए इसको हम area लिख सकते हैं. तो charge per unit area. Clear? So it is clear from equation number 3 that epsilon naught E has the dimensions of its charge. Per unit area, that is charge density. Clear? If electric field intensity is taken in vector form that is capital E in free space, then the product epsilon naught E is represented by symbol capital D. Clear? ये ध्यान रखिएगा. D की value जो यहाँ होती है वो epsilon naught E होती है. जैसे D जो हमारा होता है जिसको हम electric flux density बोल रहे हैं, ये एप्सिलॉन नॉट इनटू ई होता है, ये ध्यान रखिएगा. दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, डी और ई दोनों. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं. ठीक है, तो जी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई होती है. कई बार एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अभी हमने चूंकि यहाँ पे जो मीडियम लिया हुआ है ये वैक्यूम या एयर लिया हुआ है, तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट आ रहा है. अगर आपका मीडियम आपका वैक्यूम या एयर नहीं है तो ये एप्सिलॉन इनटू ई हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा. ठीक, एप्सिलॉन की वैल्यू फिर यहाँ रखनी पड़ेगी आपको, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू ई इफ द मीडियम इज नॉन वैक्यूम. तो ये ध्यान रखिएगा, इस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में अंतर है. एप्सिलॉन नॉट रिलेटेड परमिटिविटी रिलेटेड टू द वैक्यूम है या एयर है, और ये एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी रिलेटेड टू व्हाट, ग्लास फाइबर. ठीक है, इस तरह के मटेरियल का. ठीक, तो यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू हमने फिर रख दिया, एप्सिलॉन विल बी व्हाट, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ये तो सभी लोगों को पता ही होगा, है ना. एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर आ गया, सो दैट यू कैन गेट डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू ई. ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी समझ में आ गया सभी को? ये देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में यहाँ लिखा भी गया है.